हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को केस स्टडी में। मैं कुमार बेस्ट। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए आर्मी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन को कराऊंगा दोस्तों, जो आपके सामान्य ज्ञान के और खासतौर पर दोस्तों सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन मिलेंगे। ये दोस्तों आपके बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और गत वर्षों में भी दोस्तों क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो आप इनको तैयार कर लेंगे आगामी परीक्षा के लिए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए शुरू करने के पहले छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों अभी तक, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा दोस्तों, ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो सके। तो आइए शुरू करते हैं आराम से, आप देखिएगा और इन क्वेश्चन के दोस्तों आप जवाब भी देंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिखाई देता है, सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत कब से की गई। सर्वशिक्षा अभियान का पहले सबसे पहले आपको उद्देश्य पता होना चाहिए दोस्तों, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था। इसका उद्देश्य था दोस्तों सभी बच्चों को जो आपके खासतौर पर 6 से लेकर 14 वर्ष तक के हैं उनको शिक्षा प्रदान करना, तो ये आपका उद्देश्य हो जाएगा। और इसकी शुरुआत दोस्तों यहाँ पर देखिए अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान हुई थी, तो आपको बताना दोस्तों कौन से वाले वर्ष में हुई थी, 2001 में, 2005 में, 2003 में या 2009 में। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए 2001 से 2 के बीच में हुई थी, तो आपका 2001 दोस्तों आप टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया। आपको बताना है दोस्तों कौन सा वाला अनुच्छेद था जिसके तहत शिक्षा के अधिकार को अर्थात एजुकेशन के दोस्तों राइट को फंडामेंटल राइट मौलिक अधिकार बना दिया गया। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके आधार पर आपको क्वेश्चन एक संशोधन का भी पूछा जाता है कि कौन से वाले संशोधन के तहत मौलिक अधिकार बना दिया गया शिक्षा के अधिकार को। ये दोस्तों आपका 86वें संशोधन के तहत दोस्तों ये किया गया और ये आपका 2002 में किया गया। तो 2002 में दोस्तों 86वें संशोधन के तहत अनुच्छेद नंबर 21A में दोस्तों ये शामिल कर दिया गया कि जो शिक्षा का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है, तो सभी को शिक्षा का अधिकार होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, मनरेगा की शुरुआत कब की गई। मनरेगा मतलब दोस्तों आपका महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना, तो इसके तहत क्या था दोस्तों, इसके तहत सभी जो आपके गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उनको वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोज़गार प्रदान करना इसका उद्देश्य था। तो इसमें कम से कम दोस्तों आपकी राशि 220 लगभग रुपए होती है। अब यहाँ पर देखिए ये आपकी शुरुआत कब से की गई, आपको बताना है 2 फरवरी 2005 या 6 फरवरी 2006 या 20 जनवरी 2005 या 20 जनवरी 2006। इसकी शुरुआत दोस्तों 2 फरवरी 2006 से की गई, कार्यान्वित किया गया दोस्तों। इसका देखिए आधिकारिक रूप से घोषणा दोस्तों 2005 में कर दी गई थी, लेकिन जो कार्यान्वयन हुआ दोस्तों वो आपका 2 फरवरी 2006 से कार्यान्वयन अर्थात जो आपका कार्य में दोस्तों शुरुआत की गई ये आपकी 2 फरवरी 2006 से की गई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। आपको बताना है दोस्तों जो आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना है, जो संविधान के गठन के बाद जो योजना हुई होगी दोस्तों, वो प्रथम वाली कौन सी है, या आपकी 1947 से लेकर 52 तक, या 51 से लेकर 56 तक, या 56 से लेकर 61 तक, या 50 से लेकर 55 तक। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए हो जाएगी 1951 से लेकर 56 तक की दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, योजना आयोग या फिर आप कहें नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए पहले आपका योजना आयोग था दोस्तों, बाद में इसे 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दोस्तों नीति आयोग में बदल दिया गया है, तो अब आप नीति आयोग से इसको जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका अध्यक्ष कौन होता है, आपको बताना है राष्ट्रपति होता है, या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होता है, या प्रधानमंत्री या फिर गृहमंत्री। इसका अध्यक्ष होता है दोस्तों प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कुल राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आप नेशनल जो टोटल अमाउंट है दोस्तों, आय है दोस्तों, इनकम है, उसमें यदि आप पॉपुलेशन का भाग दे दें तो आपको क्या मिलेगा। ये दोस्तों आपको देगा राष्ट्रीय आय या सकल घरेलू आय या प्रति व्यक्ति आय या निवेश। ये दोस्तों आपको देगा प्रति व्यक्ति आय, अर्थात एक व्यक्ति की आय कितनी है उसको निकालने के लिए दोस्तों आप टोटल अमाउंट का इनकम का दोस्तों भाग पॉपुलेशन से देंगे तो आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, संसद में शून्यकाल कितने घंटे का होता है। शून्यकाल दोस्तों जो आपका जीरो टाइम कहलाता है, तो ये दोस्तों इसे आप प्रश्न उत्तर का काल भी कहते हैं, ये कितने घंटे का होता है दोस्तों। ये खासतौर पर आपका 1 घंटे का 2 घंटे का 3 घंटे का 1/2 घंटे का, ये दोस्तों आपका होता है 1 घंटे का दोस्तों, और ये दोस्तों लगभग 12 बजे के बाद शुरू होता है, 12 से लेकर 1 तक का दोस्तों लगभग समय होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, BCG टीके का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। BCG आपको दोस्तों पहले फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, तो आपको पता होना चाहिए बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन होता है। तो इसका कार्य क्या होता है दोस्तों, पीलिया पीलिया में काम में आता है, तपेदित में या टाइफॉइड में या पोलियो में। इसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों तपेदित में, तपेदित कहें या फिर आप ट्यूबरक्लोसिस कहें, टीबी कहें, तो ये दोस्तों आपके यहाँ पर टीबी के इलाज में इस्तेमाल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। गोल गुंबज दोस्तों कर्नाटका में होगा, पश्चिम बंगाल में होगा, महाराष्ट्र में होगा या राजस्थान में होगा। गोल गुंबज यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका बीजापुर के सुल्तान का जो आपके उनका नाम है दोस्तों मोहम्मद आदिल शाह, तो मोहम्मद आदिल शाह का दोस्तों मकबरा है, तो आपको पता होना चाहिए मोहम्मद आदिल शाह का दोस्तों मकबरा है जो आपका बीजापुर में है। और बीजापुर कहाँ पड़ता है दोस्तों, ये आपका कर्नाटक में पड़ता है, तो कर्नाटक का दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिमोलीपाल राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। आपको दोस्तों सिमोलीपाल बताना है राष्ट्रीय पार्क जो आपका राष्ट्रीय अभयारण्य है दोस्तों, वो कौन से वाले राज्य में स्थित है, उड़ीसा में या मध्य प्रदेश में या असम में या उत्तराखंड में।
ये दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, H1N1 किससे संबंधित है? H1N1 दोस्तों एक वायरस का नाम होता है, विषाणु का नाम होता है दोस्तों। ये आपका एड्स का होगा, या स्वाइन फ्लू का होगा, या कैंसर का होगा, या वर्ल्ड फ्लू का होगा। ये दोस्तों आपका यहाँ पर होता है स्वाइन फ्लू का दोस्तों वायरस। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मानव शरीर में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? कशेरुकाओं की दोस्तों आपको संख्या बतानी है मानव शरीर में, बैकबोन में जो आपकी होती हैं दोस्तों। ये आपका 30 होगा, 33 होगा, 35 होगा, 40 होगा। ये दोस्तों आपके 33 होते हैं, 33 जोड़े होते हैं दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा, इतने जॉइंट आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की प्रतिरोधकता में क्या प्रभाव पड़ता है, प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों यहाँ पर देखिए रेजिस्टेंस आपको बताना है, अर्धचालक का अर्थात सेमीकंडक्टर का दोस्तों क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आप अर्धचालक की बात करें दोस्तों, ताप बढ़ाते हैं जब आप अर्धचालक का, तो उसमें दोस्तों होलों की संख्या बढ़ती है, जिससे दोस्तों उसकी चालकता बढ़ जाती है, अर्थात उसकी दोस्तों प्रतिरोधकता प्रतिरोधन कम हो जाता है दोस्तों। तो आप कह सकते हैं प्रतिरोध दोस्तों आपका घट जाता है और चालकता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों बी वाला सही हो जाएगा, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का जो प्रतिरोध है वो कम हो जाएगा और चालकता अर्थात कंडक्टिविटी दोस्तों बढ़ जाती है। और वैसे दोस्तों यदि आप चालक की बात करें तो चालकों में क्या होता है, आप जब ताप बढ़ाते हैं दोस्तों तो प्रतिरोध बढ़ जाता है और चालकता कम हो जाती है। तो ये दोस्तों आप दोनों को याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, गोली दागते समय तोप के पीछे की ओर धक्का मारने का कारण क्या होता है? दोस्तों आपने देखा होगा जब तो आगे को दागा जाता है दोस्तों, तो जो चलाने वाला होता है उसको पीछे को धक्का लगता है, कंधे पर धक्का लगता है। तो इसका रीज़न क्या होता है आपको बताना है, साइंटिफिकल रीज़न क्या होता है। ये आपका दोस्तों द्रव्यमान संरक्षण का, या ऊर्जा संरक्षण का, या न्यूटन का द्वितीय नियम, या न्यूटन का तृतीय नियम। ये दोस्तों आपके यहाँ पर होता है गति के तृतीय नियम से दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आपको पता होगा दोस्तों इसमें क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है, अर्थात जितना बल दोस्तों आपने आगे को लगाया उतना ही बल आप पर पीछे की ओर वस्तु भी लगाती है। जैसा कि आप जब जमीन पर चलते हैं दोस्तों, पृथ्वी पर चलते हैं, तो आप नीचे की ओर बल लगाते हैं अपने पैर से, तो पृथ्वी भी दोस्तों आप पर उतना ही बल लगाती है, तो आपको ऊपर को धक्का लगता है और आप चल पाते हैं। तो ये दोस्तों आपके एग्जाम्पल हैं कुछ। और रॉकेट का दोस्तों ऊपर की ओर उड़ना भी एक प्रकार से न्यूटन की गति का दोस्तों तृतीय नियम होता है। तो एग्जाम्पल दोस्तों आपके बार बार आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आपको बताना है ईस्ट मुख्य स्रोत है। ईस्ट दोस्तों किसका मुख्य सोर्स है, किसका मेन सोर्स है आपको बताना है, विटामिन ए का, विटामिन बी का, या राइबोफ्लोविन का, या कोई नहीं। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए राइबोफ्लोविन का मुख्य सोर्स होता है दोस्तों। राइबोफ्लोविन को दोस्तों विटामिन B2 भी कहा जाता है। आप ध्यान देंगे कभी आपका विटामिन B2 नाम से आएगा, या फिर दोस्तों आपका विटामिन B2 का आपका केमिकल नेम आएगा, तो आपका राइबोफ्लोविन ही होता है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूरिया कहाँ तैयार होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। यूरिया जो आपका होता है NH2CO, का भी आपका फॉर्मूला भी आ सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कहाँ पर तैयार होता है आपको बताना है, गुर्दों में, या लिवर में, या जिगर में, या पित्ताशय में। ये दोस्तों लिवर में अर्थात यकृत में दोस्तों तैयार होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और लिवर के बारे में आपको पता होगा दोस्तों, हमारे शरीर की सबसे बड़ी वाली ग्रंथि होती है, ग्लैंड होती है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता को किस स्केल में मापा जाता है? ध्वनि की दोस्तों इंटेंसिटी जो आपकी होती है साउंड की इंटेंसिटी को कौन से वाले स्केल पर मापा जाता है, मेजर किया जाता है? ये आपका सिस्मोग्राफ में, डेसीबल में, या मीटर में, या हर्ज में। ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए डेसीबल में मापा जाता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला सही हो जाएगा। और इसे आप डीबी से दोस्तों खासतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, अमीटर विद्युत धारा को मापता है, हर्ज दोस्तों फ्रीक्वेंसी को अर्थात आवृत्ति को दोस्तों मापता है। आवृत्ति को आप याद रखेंगे, हर्ज आपका बार बार आता है। और वैसे ही दोस्तों सिस्मोग्राफ क्या मापता है, भूकंप की तीव्रता को दोस्तों बताता है सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रसिद्ध सेंट कैथेड्रल चर्च कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए सेंट कैथेड्रल भी नाम से आता है कभी कभी। तो ये चर्च दोस्तों कहाँ पर स्थित है, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। गोवा में होगा, दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, पुणे में होगा। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए गोवा के दोस्तों प्रमुख गिरजाघरों में से एक आपका रहता है सेंट कैथेड्रल। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। ये आपका दोस्तों गोवा का प्रसिद्ध गिरजाघर है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किस देश को नील नदी का वरदान कहा जाता है? बार बार ये क्वेश्चन आपका आता है दोस्तों। नील नदी आपको पता होगा विश्व की सबसे लंबी नदी होती है दोस्तों। तो इसका वरदान किसे कहा जाता है, इजिप्ट को, मिस्र को, जापान को, रोम को? ये दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए मिस्र को, या फिर आप मिस्र को ही दोस्तों कभी इजिप्ट भी नाम से आता है, तो इजिप्ट या फिर आप कहें मिस्र दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की शुरुआत दोस्तों कभी क्वेश्चन आता है किसने करवाई, ये दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी के काल में हुई थी दोस्तों। और यहाँ पर देखिए इसका उद्देश्य क्या था, सेतु निर्माण, या सड़क निर्माण, या पुल निर्माण, या भवन निर्माण? ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए सड़क निर्माण से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला दोस्तों सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नरोरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पर स्थित है?
ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों। नरोरा जो आपका परमाणु ऊर्जा स्टेशन है दोस्तों, जो आपका पावर हाउस है, ये आपका देहरादून में होगा, उत्तर प्रदेश में होगा, या राजस्थान में, या फिर दिल्ली में। ये दोस्तों आपके यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश के दोस्तों बुलंदशहर में स्थित है, और इसकी शुरुआत दोस्तों लगभग 1991 से लेकर 92 में की गई। और इसमें देखिए दोस्तों आपकी दो यूनिटें हैं, जिनमें से प्रत्येक की दोस्तों आपकी जो पावर है वो आपकी जो क्षमता है दोस्तों 220 मेगावाट लगभग विद्युत की है दोस्तों। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दोस्तों, सर्वाधिक प्रोटीन निम्न में से किसमें पाया जाता है। प्रोटीन दोस्तों जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और ये दोस्तों एक अमोनिया की चेन होती है, तो आपको बताना है इनमें से दोस्तों महत्वपूर्ण कौन सा वाला स्रोत होगा, कौन सा वाला सोर्स होगा प्रोटीन का। दालें होगा, चावल होगा, दूध होगा, अंडा होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए ये आपका मुख्य रूप से दोस्तों अंडा हो जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका दालों से भी मिलता है, लेकिन मुख्य आपका दोस्तों अंडा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सिरके में कौन सा वाला अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन बार बार आता है दोस्तों आपका। देखिए एसिड आपका पूछा जाता है, कभी आपका चींटी के डंक में पूछा जाएगा, कभी आपका दही में पूछा जाएगा, कभी आपका दोस्तों सोडा वाटर में पूछा जाएगा, तो इस प्रकार से आपके अम्ल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका सिरके में कौन सा वाला होता है, सिट्रिक होता है, सल्फ्यूरिक होता है, एसिडिक होता है, या लैक्टिक होता है। सिरके में दोस्तों आपका 2 से लेकर 3% तक या फिर 4% तक दोस्तों आपका एसिडिक अम्ल होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला एसिडिक अम्ल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी तत्व के संभारिक में क्या समान होता है। संभारिक मतलब दोस्तों आपके जो आपके आइसोबार होते हैं, इसको आप आइसोबार बोलते हैं। तो आइसोबार में क्या समान होता है दोस्तों, प्रोटोनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, परमाणु क्रमांक, या परमाणु द्रव्यमान। इसमें दोस्तों यहाँ पर देखिए परमाणु द्रव्यमान समान होता है, ऑप्शन नंबर आपका डी वाला सही हो जाएगा दोस्तों, एटोमिक मास आपका बराबर होता है। और वैसे ही दोस्तों कभी आपका समस्थानिक आएगा, तो समस्थानिक में क्या होता है दोस्तों, क्रमांक समान होता है। क्रमांक के समान होने का मतलब दोस्तों आपका प्रोटोनों की संख्या बराबर होगी, तो वो दोस्तों आपके समस्थानिक कहलाते हैं, आइसोटोप कहलाते हैं, और ये दोस्तों आपके आइसोबार कहलाते हैं, जिनमें आपके द्रव्यमान समान होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, 20 कैल्शियम और 40 आपका भार हो गया, वैसे ही दोस्तों आप आर्गन को देखेंगे, 18 आर्गन क्रमांक हो गया और 40 दोस्तों भार हो गया। तो ये दोनों दोस्तों क्या है आपस में, ये दोस्तों आपके यहाँ पर आइसोबार हैं, अर्थात संभारिक कहलाते हैं। तो ये रहे दोस्तों आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपने यहाँ पर देखे दोस्तों, उम्मीद आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपको दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर करें, लाइक करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी वीडियो दोस्तों आपको लगातार मिलते रहें। ओके, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।